एवरी एवरीवन वेलकम टू अने अकेडमी नेम इस तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में एक बार प्लीज बता दीजिए कि सेशन चल रहा है या नहीं चल रहा लेट मी जस्ट चेक इट ओके वी आर लाइव सो so, स्वागत है सभी का आज के सेशन में सो so, फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए एक मिनट तक वेट करेंगे उसके बाद फिर अपने सेशन को शुरू करते हैं आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हमारा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे तो जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स एक मिनट तक वेट करते हैं फिर शुरू करेंगे अपने सेशन को गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग बच्चे गुड इवनिंग आ जाइए आ जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए सब स्टूडेंट्स जी जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग बच्चे गुड इवनिंग चलिए तो काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं सो so, हम आज बेसिकली हम कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ आप लोगों को पता है अन अकेडमी पे मेरे कोर्सेज चल रहे हैं आज पेपर वन का एमसीक्यू का कोर्स है वो शुरू हुआ है पेपर टू भी चल रहा है उसके साथ साथ पेपर वन का पीपल और इन्वायरमेंट का भी चल रहा है तो आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो उसके लिए जो रेफरल कोड है वो तलवीर लाइव आप यूज कर सकते हो उसके साथ साथ आप आया प्लस पे जो ये पी वाई क्यूज है ठीक है इनको एक्सेस कर सकते हो हर रोज शाम को पांच बजे हमारी इसी सेशन पे इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है और शाम को सात बजे हमारी स्पेशल क्लास होती है ठीक है तो ये भी आपने नोट डाउन करके रखना है उसके साथ साथ ये हमारा शेड्यूल है इस पूरे वीक का ठीक है हम कम्युनिकेशन पे पहुंच चुके हैं कल हमारी आईसीटी की क्लास है उसके बाद हमारी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है मतलब सैटरडे तक ये सेशन चलने वाले हैं ठीक है उसके साथ साथ स्पेशल क्लास होती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अन अकेडमी पे एक मंथ और तीन मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस हाइक होने वाला है ठीक है जी उसका प्राइस हाइक है वो किसी भी टाइम पे हो सकता है तो इफ यू आर इंटरेस्टेड अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप पहले पहले सब्सक्राइब कर सकते हो बाद में आप मत बोलिएगा कि सर आपने प्राइस हाइक के बारे में नहीं बताया था तो इस वजह से मैंने आप लोगों को प्राइस हाइक के बारे में बता दिया तो चलिए एक बार सभी बच्चे कॉमेंट्स में अपनी अटेंडेंस लगवा लीजिए फिर हम अपने सेशन को शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट एक बार कॉमेंट्स में आ जाइए सारे बच्चे फटाफट से कम्युनिकेशन जल्दी से फटाफट से कौन कौन प्रेजेंट है एक बार बता दीजिए ओके चलिए वन थाउजेंड के करीब स्टूडेंट्स हैं वो तो आ ही गए हैं देखिए कम्युनिकेशन का एक सेशन मैंने इससे पहले लिया था जहां पर आपको कम्युनिकेशन की काफी बेसिक सी चीजों के बारे में बताया था इसी चैनल पे लिया था सेशन तो उसका लिंक है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा उसको आप जरूर से देख लीजिएगा वो चीजों को रिपीट नहीं करूंगा ठीक है कुछ नई चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है तो जो आपके पेपर में पूछी जाएंगी उसको सामने रखते हुए आप लोगों को कुछ नई चीजें आज मैं पढ़ाने वाला ठीक है जी तो चलिए शुरू करते हैं कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कल्चर काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझने की कोशिश करनी है ठीक है काफी ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कल्चर का एस्पेक्ट क्या है कम्युनिकेशन में देखिए आप लोगों को एक बात पता है कि कोई भी कम्युनिकेशन है उसको उसका कल्चर है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है ठीक है जैसे हम इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन के तरीके अलग हैं कोई दूसरा पर्सन है किसी वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करता है तो उनके कम्युनिकेशन के तरीके अलग होते हैं तो एक बात तो कंफर्म है कि जो कम्युनिकेशन है उस पर कल्चर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है वो कोई भी कल्चर हो सकता है इवन के लोकल कल्चर चाहे वो नेशनल कल्चर हो चाहे वो इंटरनेशनल कल्चर हो हर तरीके के कल्चर का कम्युनिकेशन पे एक डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है बेसिकली जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम कम्युनिकेशन में कल्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ध्यान से समझ लीजिए दो पार्ट्स में आप इस कल्चर को क्या कर देते हो डिफाइन कर देते हो एक होता है हमारा लो कॉन्टेक्स्ट एक सेकेंड पहला हम बात करते हैं लो कॉन्टेक्स्ट और फिर हम बात करते हैं हाई कॉन्टेक्स्ट आई थिंक आप लोगों ने इस चीज को पहले भी पढ़ा होगा दो तरीके के कल्चर में आप इसको क्या कर देते हो डिफाइन कर देते हो एक होता है लो कॉन्टेक्स्ट और एक होता है हाई कॉन्टेक्स्ट पहले हम इसको समझते हैं ठीक है उसके बाद इसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे देखिए जो लो कॉन्टेक्स्ट है लो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा फॉर्मल एक मैं स्की वर्ड्स लिख देता हूं इसका जो बहुत ज्यादा फॉर्मल है मतलब जहां पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जहां पर आपको वर्बल क्यूज की जरूरत पड़ती है ठीक है जहां पर आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो क्या करते हो जहां पर आप लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो वो और ये क्या होता है ये ज्यादातर फॉर्मल ना होके ये नॉन वर्बल या इनफॉर्मल हो जाता है या नॉन वर्बल हो जाता है कहने का मतलब क्या हुआ वो लोग जो हाई कंटेक्सट में रहते हैं सॉरी लो कंटेक्सट में रहते हैं वहां पर जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मेलिटीज से भरा होता है वहां पर फॉर्मेलिटीज बहुत सारी होती हैं वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत होता है बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है और ये इंडिया का कल्चर तो है नहीं ठीक है जी क्योंकि हम यहां पर वर्ड्स पे उतना भरोसा नहीं करते हैं हम क्योंकि हमारे तो सॉन्ग ही ऐसे हैं इशारों इशारों में दिल लेने वाले तो जब सब कुछ इशारों में ही हो रहा है तो हम कैसे मान लें कि इंडिया में लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर होगा इंडिया में हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है अब ये मान लीजिए कि ये इंडिया 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 में हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है क्यों क्योंकि यहां पर लोग फॉर्मली बात करना पसंद नहीं करते वर्ड्स पे भरोसा नहीं करते हैं हम इनफॉर्मल तरीके से अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ठीक है जी तो ये आपको पेपर में पूछा जाता तो हम अब इसके कुछ फीचर्स लेते हैं ठीक है मैं एक साइड पे यहां पर हम लो कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि लो कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें आएंगी कोई भी एक दोनों में से समझ लीजिए ठीक है दोनों में से कोई एक समझ लीजिए दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा ठीक है एक साइड के पॉइंट लिखूंगा दूसरे साइड के पॉइंट अपने आप आप लोगों के सामने आ जाएंगे जब आप लो कॉन्टेक्स्ट है तो आप एक दूसरे के साथ कंपीट करने की कोशिश करते हो कॉम्पिटिटिव क्यों क्योंकि आप शब्दों पे भरोसा कर रहे हो आप एक दूसरे के साथ कंपीट करते हो क्योंकि आपका अपने काम से काम है उससे ज्यादा कुछ नहीं है वहीं पर जब हम हाई कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो यहां पर लोग कोऑपरेट करने की कोशिश करते हो इसको कैसे याद रख सकते हो आप इंडिया वालों को ही देख सकते हो हम लोग कितने कोऑपरेटिव होते हैं ना ये तो आपको पता ही है वो अलग बात है कि कई बार ये कोऑपरेशन बिगड़ जाता है बट इंडिया में अगर देखते हो तो हम कॉपरेट करना ज्यादा पसंद करते हैं हम एक दूसरे के साथ कंपीट करना पसंद नहीं करते वी जस्ट ट्राई टू कोऑपरेट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाता है कंपीट नहीं किया जाता यहां पर फोकस होता है टास्क टास्क ओरिएंटेड मतलब अपने काम से काम रखते हैं इसी वजह से शायद ये लोग ज्यादा आगे हैं हमसे क्योंकि इंडिया में अपने काम से काम रखा ही नहीं जा सकता आप खुद देख लीजिए पढ़ाई आप कर रहे हो प्रॉब्लम आपके रिश्तेदारों को हो रही है आपके घर में आ रहे हैं क्या कर रहे हो बेटा क्या कर रहे हो कितना पढ़ रहे हो कब एग्जाम होगा कब जॉब लगेगी समझ रहे हो ना मतलब अपने काम से कोई मतलब नहीं है अंग्रेजों का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता उनको अपने काम से काम है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया में क्या हो रहा है हम यहां पर हमारा जो कंसर्न है वो है रिलेशनशिप हम सिर्फ टास्क ओरिएंटेड नहीं हम रिलेशनशिप पे भरोसा करते हैं समझ रहे हो ना क्योंकि इंडिया में इंडिया के कल्चर के हिसाब से क्या बोला जाता है कि जो जैसे मैरिज है मैरिज का कॉन्टेक्ट समझते हैं यहां पर अगर अंग्रेज है तो उसका एक बर्थ होगा और सात शादियां भी हो सकती हैं कोई दिक्कत नहीं है दो दो महीने बाद तलाक दे देते हैं और इंडिया में सात बर्थ होते हैं और एक मैरिज होती है क्योंकि हमारे इंडिया में जो मैरिज का कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि जिसके साथ तुम्हारी इस बार शादी हुई है उसी के साथ तुम्हारी सात जन्म तक शादी होती है मतलब एक जन्म में तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा तुम्हारी जिंदगी की वाट लगी हुई है और तुम बोल रहे हो कि सात जन्म तक ऐसी चीजें चलती रहेंगी ठीक है यहां पर जो लोगों का कंसर्न होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है क्योंकि अपने काम तक मतलब है तो एक इंट्रोस्पेक्शन एक, एक अकेला बंदा जैसे बोलता है आगे बढ़ने की कोशिश करता है और यहां पर टीम ओरिएंटेड होता है समझ रहे हो ना इतना टीम ओरिएंटेड होता है कोई शादी के बाद घूमने भी जा रहा है तो मम्मी पापा भी साथ ही चले जाते हैं चल बेटा बहाने से हम भी घूम आते हैं इतना जहां पे हमारा टीम ओरिएंटेड कल्चर है इतना हम यहां पर एक दूसरे के साथ मिल वर्तन इतना एक दूसरे के साथ हम घूमना फिरना पसंद करते हैं। ग्रुप और टीम में चलता है, ये इंडिया का सिस्टम है यहां पर फिर आप इंडिविजुअलिस्टिक अचीवमेंट की बात करते हो यहां पर आप टीम अचीवमेंट की बात करते हो कि टीम ने क्या अचीव किया एक इंडिविजुअल पर्सन ने क्या अचीव किया यहां पर जो हमारा कम्युनिकेशन होता है क्योंकि लो कॉन्टेक्स्ट है तो वर्बल ज्यादा होता है समझ रहे हो ना आपको कॉपी पे नंबर लिख के देना पड़ता है पकड़ाना पड़ता है और इंडिया वाले या हाई कॉन्टेक्स्ट वाले ये नॉन वर्बल पे मतलब आपको नंबर देना नहीं पड़ता आप याद करवा देते हो डबल नाइन डबल एट डबल सेवन वाला तो यहां पर वर्बल को ज्यादा भरोसा किया जाता है और यहां पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ज्यादा भरोसा किया जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ज्यादा भरोसा किया जाता है यह क्या होगा रिटर्न होगा फॉर्मल होगा और यह क्या होगा यहां पर ओरल और ओरल के साथ साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ज्यादा हम मानते हैं कि ठीक है भाई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो यहां पर हमारे पास ज्यादा चलेगा अब खुद सोचो हम शब्दों का इतना कम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे देश के सिंगर एक गाने पे पूरा सॉरी एक वर्ड पे पूरा गाना बना देते हैं अब टोनी कक्कड़ का कोई भी सॉन्ग सुन लो दो ही वर्ड होते हैं वही बोलता रहता है डेढ़ दो सौ तीन सौ बार समझ रहे हो ना तो इस वजह से आप इस तरीके से हाई कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रख सकते हो और लो कॉन्टेक्स्ट अब यहां से दो नंबर का क्वेश्चन आपको आता ही आता है दे ऑलवेज आस्क टू मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है Clear है जी चलिए तो ये फर्स्ट टॉपिक है उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं देखिए यहां से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉन वर्बल नॉन वर्बल का मतलब क्या हुआ जब आपको शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती विदाउट यूजिंग द वर्ड्स यू कैन कन्वे यूर मैसेज समझ रहे हो ना जहां पर आप इशारों में अपनी बात बता देते हो ठीक है जो मैंने पहले बताया था विदाउट यूजिंग द वर्ड्स अब इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूं जैसे आपके घर में रिलेटिव आते हैं हम इसको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जैसे आप लोगों के घर में रिलेटिव आ गए और आप ने उनके सामने खाने का सामान रख दिया बर्फी वगैरह रख दी बिस्किट वगैरह पड़े हैं अब रिलेटिव तो खा नहीं रहे आपने पहले एक बर्फी उठाई फिर दूसरी उठाई फिर तीसरी उठाई चौथी उठाई जैसे ही पांचवी बर्फी आप उठाने लगते हो तो आपकी मम्मी एक नजर से आपकी तरफ ऐसे देखती है कि आपकी पहली चार बर्फियों का टेस्ट भी खराब हो जाता है अब वो वाली बर्फी वहीं पे रख के ना अपने रूम में चले जाते हो कि जितनी होनी थी हो गई अब इससे ज्यादा देर रुकूंगा तो और हो जाएगी ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वेन वी कम्युनिकेट ट विदाउट यूजिंग वर्ड्स शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर जब हम कम्युनिकेशन कर देते हैं और हम अपनी हर रोज डेली की लाइफ में बहुत करते हैं अब इसकी कुछ टाइप्स हैं ठीक है पहले तो वो समझ लेते हैं जो बेसिक टाइप्स हैं उसके बाद फिर इसके आगे जो इसका जो भी क्राइटेरिया होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। अब किस किस तरीके का ये हो सकता है वो समझने की बात करते हैं। जो पहला होता है वो होता है प्रॉक्सीमिक्स। देखो प्रॉक्सीमिक्स का मतलब होता है स्पेस की स्टडी स्पेशियल डिफरेंस या आप इसको डिस्टेंस बोल सकते हो डिस्टेंस की स्टडी या स्पेशियल डिफरेंस इसका मतलब क्या होता है कि दो लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है दो लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है ठीक है जो दो लोग हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है ये उनका रिलेशनशिप डिसाइड करेगा ये जो गैप है ये जो डिस्टेंस है दो लोगों के बीच में कितना डिस्टेंस है जैसे आप सिंपल सी बात है आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने मम्मी पापा के साथ हाँ कितनी नजदीकियां कितनी दूरियां कितनी मजबूरियां ये सब इसी में आता है अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ बात कर रहे हो तो वहां पर आप एक, एक इंटीमेट जोन में होते हो जहां पर आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के पास हो आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बात करते हो वहां पर भी आप उसी जोन में होते हो आप अपने कुली के साथ बात करते हो तो वो जून थोड़ा बड़ा हो जाता है कोई कोई ऐसा पर्सन जिसे आप जानते नहीं हो उससे तो बहुत ही दूरी हो जाती है समझ रहे हो ना तो ये जो प्रॉक्सिमिटी है या डिस्टेंस है उसकी स्टडी को प्रोक्सीमिक्स बोल दिया जाता है दैट इज द डिस्टेंस की स्टडी दैट इज द स्टडी ऑफ डिस्टेंस जब डिस्टेंस की स्टडी की जाती है उसको प्रॉक्सीमिट बोल दिया जाता फिर आता है काइनेसिक्स, काइनेसिक्स, काइनेसिक्स होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज की स्टडी क्या है कि आप अपनी बॉडी को कैसे मूव कर रहे हो है ना जैसे अगर आप में मुझे जोश भरना हो तो मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा नहीं मुझे नहीं लगता करना पड़ेगा बॉडी मूवमेंट का मतलब क्या हुआ बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि आप अपने वर्बल मतलब अपने वर्ड्स के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे मैच कर रहे हो चाहे वो गेस्टर्स हो चाहे वो पोस्टर्स हो है ना जैसे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो ठीक है अगर मैं बोलता हूं कि आसमान तक जाना है ना तो ऑटोमेटिकली हाथ मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है जमीन की तरफ जाना है तो नीचे समझ रहे ना मतलब मैं किस तरीके से अपने वर्बल वर्ड्स को नॉन वर्बल क्यूज के साथ मैच कर रहा हूं दैट इज बॉडी लैंग्वेज देन आता है हेप्टिक्स 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 होती है टच की स्टडी टच की स्टडी अब इसमें दोनों तरीके का टच आता है गुड टच भी और बैड टच भी टच की स्टडी जैसे किसी के साथ हैंड किया जाता है दैट इज द स्टडी ऑफ टच किसी को शाबाशी देनी है किसी के कान के नीचे बजाना है हर चीज जहां पर टच की बात हो रही है वो हैप्टिक्स कम्युनिकेशन में आ जाता है दैट कम्स अंडर हैप्टिक्स कम्युनिकेशन उसको किया जाता है हैप्टिक्स कम्युनिकेशन देखो गाने गाने की तो कोई बात ही नहीं है ये जो बॉलीवुड में चले जाते हैं ना पढ़ाई करते करते एकदम से बॉलीवुड में जो तुम्हें कैटरीना कैफ की याद आ रही है ना बेटे तुम्हें एक बार पेपर तो आने दो तो पेपर तुम्हें बोलेगा जरा जरा टच में टच में तब देखना तीन घंटे में तुम क्या कर लोगे तो हेप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ टच इट इज नथिंग तो जैसे छोटे बच्चों को यह सिखाया जाता है गुड टच और बैड टच के बारे में तो आप इसको अप्रिशिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हो आप इसको किसी को पुनिश करने के लिए भी यूज कर सकते हो यू कैन यूज इट फॉर द बोथ इस दोनों तरीके से इसको, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है देन आता है फिजिकल अपियरेंस फिजिकल अपियरेंस से कम्युनिकेशन हो जाता है बिल्कुल हो जाता है जैसे फिजिकल अपियरेंस है जैसे काला कोट पहना है तो डॉक्टर होगा सफेद कोट पहना है तो नहीं काला कोट डॉक्टर के नहीं होता काला कोट तो वकील के होता है सफेद कोट डॉक्टर के पहना हुआ होता है आर्मी की ड्रेस पहन रखी है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये बंदा आर्मी में होगा क्लोथिंग से डिपेंड करता है अटायर से डिपेंड करता है कि आपका जो अटायर है वो वो अटायर ठीक है मैं लिख देता हूं इसमें छोटा सा जो आपका अटायर है आपका ड्रेसिंग है उससे आप समझ सकते हो क्या है और क्लियर है तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो गैस कर सकते हो कि सामने वाला बंदा कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करता है उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज ओकुलेक्स। ओ सी यू एलई एस आई सी एस ऑकुलैक्स होता है अब ये तो देखो भाई इससे तो ना बॉलीवुड भरा पड़ा है ऑकुलैक्स में एक लड़की की आंख मारती हुई वीडियो दस सेकंड की वीडियो वायरल होती है और उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर पांच सौ से पांच मिलियन हो जाते हैं दैट इज दैट द पावर ऑफ ऑकुलस आई की स्टडी आंखों से कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो ये आंखों की मस्ती के स्ताने हजार मैंने बताया ना कि आपको हर तरीके का यह कम्युनिकेशन बॉलीवुड के सॉन्ग्स में भरा पड़ा है बॉलीवुड और आपको कुछ सिखाए ना सिखाए आपको अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन करना जरूर सिखा देगा आंखें बड़ी करनी आंखें छोटी करनी आंखें बंद करनी और कुछ लोगों को तो फोटो खिंचवाने के लिए आंखें ऊपर चढ़ानी पड़ती हैं क्या भाई भगवान ने जो दे रखी है वो सही नहीं है क्या फोटो खिंचवाने के लिए इसको ऊपर करना पड़ता है जैसी भगवान ने दे रखी है उससे भरोसा नहीं है तुम्हें अपने हिसाब से आंखों को इस्तेमाल कर रहे हो तो, तो ये ऑकुलैक्स होता है आंखों से किसी को देखना किसी को किसी की तरफ घूरना है ना ये हर तरीके का कम्युनिकेशन है वो ऑकुलेक्स का आइस का कम्युनिकेशन होता है तो हरियाणवी गाने बहुत आते हैं मतलब आप इसके इसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि यह बात बहुत दूर तक चली जाएगी आंखों पे बोलने लगे वोकलिक्स वोकल्स की स्टडी वॉयस एनिमेशन इसको बोल दिया जाता है वॉयस मॉड्यूलेशन बोल दिया जाता है वॉइस की स्टडी को बोल सकते हो आप वॉइस की स्टडी का मतलब जैसे वॉइस रेट टेम्पो टोन है ना वॉल्यूम ये सारी चीजें वोकलिक्स की स्टडी में आ जाती हैं ठीक है पैरा लैंग्वेज वाला जो टोन ऑफ स्पीच है ठीक है किस तरीके से बोल रहे हैं हाउ वी आर स्पीकिंग हम जो बोल रहे हैं वो किस तरीके से बोला जा रहा है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है दैट इज नोन एज वोकलिक्स पिच रेट स्पीड है ना मैं लिख देता हूं जैसे पिच रेट और स्पीच वॉल्यूम ये अलग अलग कंटेक्स होते हैं जो आपके वर्बल कम्युनिकेशन में हो रहे हैं अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंटेक्स क्या होता है कि एक होता है व्हाट यू स्पीक तुम क्या बोल रहे हो और दूसरा होता है हाउ यू स्पीक क्या बोलने से कैसे बोलना ज्यादा मैटर करता है और yes नो तुम क्या बोल रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा तुम कैसे बोल रहे हो ये मैटर कर रहा है जैसे हम इसी क्लास की एग्जांपल लेते हैं अब मैं आप लोगों को ये कम्युनिकेशन की टाइप्स पढ़ा रहा हूं आप इसको किताब से भी पढ़ सकते हो आप इसको कहीं और से भी पढ़ सकते हो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो बट जब मैं इस चीज को पढ़ा रहा हूं तो वो मैं किस तरीके से डिलीवर कर रहा हूं हाउ आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर मैं किस तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूं कहां पर अपना ज ले रहा हूं कहां पर अपनी पिच को बढ़ा रहा हूं कहां पर कम कर रहा हूं वैसे कम तो करता ही नहीं हूं हाई पिच में ही बोलता हूं तो ये मैटर करता है जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग लो पिच पे बोलते हैं ना बच्चे उन टीचर को पसंद नहीं करते हैं पसंद करने का मतलब यह नहीं है कि उनको वो अच्छा नहीं पढ़ाते क्योंकि लो पिच पे बोल रहे हैं अगर मेरी आवाज ही बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही है समझ रहे, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं एक बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास पहले दस बीस बच्चों तक मेरी आवाज आ रही है लास्ट वाले तो इशारों से ही समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है तो इस वजह से बी श्योर की जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो उसके साथ साथ इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि आप कैसे बोल रहे हो पीछे वाले तो सो जाते हैं समझ ही नहीं आता कई बार तो आपको लगता है कि सर को अगर भगवान ने ऐसा सिस्टम होता तो आप टीचर को ही बोल देते हो कि सर भगवान से यह बोल दीजिए कि आप जितना मर्जी स्लो बोल दो हम अपने कान निकाल के आपके लेक्चर स्टैंड पे रख देंगे ताकि पीछे बैठे भी हमें सुनाई दे रहा हो कि आप क्या बोल रहे हो तो वो वोकलिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये देखने में एक छोटी सी टर्म लगती है आपको बट ये है बहुत ही बड़ी टर्म है मतलब आप इसको अगर मैं इस पर डिस्कशन करने लगूंगा तो दो घंटे में आपको इसके बारे में ही समझाता रहूंगा बट हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ यह समझना है कि आप क्या बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो दोनों ही इंपॉर्टेंट है ऑलफेक्टिक्स या ऑल ऑलफेक्टिक्स किससे रिलेट करता है बताइए हुनो स्मेल से है ना जैसे स्मेल सेंसरी कुछ भी बोल सकते हो इसमें ये काफी बड़ा है है ठीक है? जो स्मेल है. स्मेल कई बार से ही कम्युनिकेशन हो जाता है आप अपने घर में जाते हो आपको खीर की स्मेल आती है आपके कान नाक इतना बड़े बड़े हो जाते हैं कि वाज तो खीर खाने को मिलेगी जैसे आप किचन में जाते हो तो वो खीर जिस बर्तन में खाई हुई है वो सिंक में पड़ा हुआ है तो फिर बेजती हो जाती है दैट मीन्स कि कई बार स्मेल के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो जाता है मतलब ये बहुत बड़ा कंटेक्स नहीं है समटाइम्स यू सी इट क्लियर है जी यहां तक समझ आया तो एक बार कमेंट करके बताइए यस yes, ये भी बहुत ये भी किसी ने कमेंट में बहुत सही लिखा जैसे आपका दोस्त आज नहा के नहीं आया या पंद्रह बीस दिन से नहाया नहीं है और वो आपके बिल्कुल बगल में बैठा है या ब्रश नहीं करके आया वो आपके बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है तो दोस्त कम जहर ज्यादा लगेगा है ना ये तो सोचोगे भाई नहा के तो आया कर कम से कम ब्रश तो कर लिया कर सुबह उठ के ना? तो तो ये हो जाता है हाँ एक रह गया क्रोनोमिक्स 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 होता है बच्चे टाइम की स्टडी क्रोनोमिक्स होता है स्टडी ऑफ टाइम क्योंकि देखो टाइम के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है स्टडी ऑफ टाइम जो टाइम की स्टडी होती है उसको क्रोन क्रोन एक रूट वर्ल्ड है जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोल देते हो ना आप यू कॉल इट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो कि अठारह 1869 में क्या हुआ था बच्चा बोला सर जी गांधी जी पैदा हुए थे बोला अच्छा और एटीन में क्या हुआ था बोला सर जी कुछ नहीं गांधी जी तीन साल के हो गए थे बोला वाह बेटा अगले 200 साल की हिस्ट्री तो तू तो याद किए बैठा है तो ये 1875 ये क्रोनोलॉजी बोल दिया जाता है ना कुछ इस तरीके से जब बढ़ते कर में या घटते कर में आप किसी भी तरीके से इसको अज्यूम कर सकते हो उसी तरीके से क्रोनोलॉजी जैसे इंडिया है इंडिया में अगर हम क्रोन की बात करें ना अब इसकी आप लोग बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल ले सकते हो कि इंडिया में सिस्टम क्या है कि लोग टाइम पे जाना पसंद नहीं करते हम कहीं पे भी टाइम पे जाना पसंद ही नहीं करते अगर हम कहीं पे टाइम पे पहुंच जाते हैं तो हमें बेजती महसूस होने लगती है यार मैं टाइम पे कैसे पहुंच गया आप खुद देखिए आपने अपनी लाइफ में कितने सारे फेस्टिवल्स अटेंड किए होंगे कितने सारे आपने सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए होंगे जो बंदा सबसे लास्ट में आता है ना उसे चीफ गेस्ट बनाते हैं अरे भाई इतनी लेट आना था तो रहने ही देता फॉर्मेलिटी करने के लिए आया क्या उसे चीफ गेस्ट बना देते हैं यह क्या सिस्टम हुआ इतना बेकार सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं स्कूल पर फंक्शन देख लो स्कूल का स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है जो टीचर बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं ना उनको चार घंटे पहले बुलाते हैं फंक्शन एक बजे शुरू होना होता है उन्हें सात बजे बुला लेते हैं गुब्बारे लगाने के लिए और जो चीफ गेस्ट है वो फंक्शन खत्म होने से पांच मिनट पहले आता है दिस इज द स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजी मतलब जैसे वेस्टर्न कल्चर में जो लोग बिलोंग करते हैं वो टाइम के बहुत पाबंद होते हैं उनके लिए एक एक मिनट की वैल्यू होती है उन्हें पता होता है कि अगर भाई मैं पांच मिनट लेट हुआ तो ऐसा होगा बट हमारे यहां पर नहीं है दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ योअर हाई कल्चर हां सही में जैसे वो वही बोलते हैं कि पिज्जा पीजा बीस मिनट में आ जाएगा और पुलिस है वो दो घंटे में भी नहीं आती है दिस इज ऑल द थिंग्स दैट इज रिलेटेड विद द टाइम क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्रोनोमिक्स से ये रिलेट करते चलिए अब नॉन वर्बल फंक्शंस जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हो नॉन तो वर्बल कुछ फंक्शंस होते हैं अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को पेपर में तीन चार बार पूछा गया तीन चार बार आपको ये पेपर में पूछा जाता है सबसे पहला है एक्सेंटिंग ए डबल सीई एन टी आई एन जी एक्सेंटिंग जैसे वह एक्सेंटिंग होता है ना इंडिया से या किसी भी कंट्री से मतलब जैसे आप शायद सपोज करो तुम्हारा कोई दोस्त है वो चला गया कैनेडा में चला गया चाहे चार दिन के लिए चला गया चार दिन के बाद इंडिया वापस आएगा ना बंदे की टोन ही बदल जाती है एकदम से मतलब जिससे सीधी अंग्रेजी बोली नहीं आती उल्टी इंग्लिश बोलनी शुरू कर देता है ओ या या, या। मतलब ऐसा ना जीप को जैसे एकदम से बलसा पड़ गया होता है ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोगों का एक्सेंट एकदम से चेंज हो जाता है जबकि एक्चुअली रियलिटी ये है कि जो आपका नेचुरल एक्सेंट है वही आपके चेहरे से या वही वही अच्छा लगता है अगर आप आर्टिफिशियल एक्सेंट यूज कर रहे हो तो सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई ये फेंक रहा है तो अपने आर्टिफिशियल एक्सेंट की बजाय आप अपना जो ओरिजिनल एक्सेंट है उस पर ध्यान दो बट यहां पर जो एक्सेंटिंग है इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सामने वाले की अटेंशन लेके आना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर वर्ड पे किसी पर्टिकुलर टर्म पे हम प्रेशर करना चाहते हैं स्टक हो गया क्या चल गया यस क्लियर सॉरी बीच में कई बार स्टक हो जाता है यार तो एक्सेंटिंग का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज पे क्या करना चाहते हो किसी को प्रेशर देना चाहते हो जैसे मैं जैसे मैंने लेक्चर शुरू हुआ तो मैंने क्या बोला सो so, आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन जब ये कम्युनिकेशन वर्ड है ना उस पर मैंने प्रेशर दिया तो मतलब जिस चीज पे मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं जिस पे मैं आप लोगों का ध्यान दिलवाना चाहता हूं तो वो तो एक्सेंटिंग मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टर्म पे जिस पे मैं चाहता हूं कि आप लोग उस पर अटेंशन दो दैट्स अटेंशन है ठीक है एक्सेंटिंग बोले जाते हैं इसको इसका कीवर्ड अटेंशन लिख लीजिए अटेंशन क्लियर है इसके ऑपोजिट होता है मॉडरेटिंग मॉडरेटिंग इट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सेंटिंग इसका मतलब क्या होता है जो जिस चीज को मैं इग्नोर सा करना चाहता हूं जिस पे मैं अटेंशन नहीं चाहता कि आप लोग उस चीज पे अटेंशन दो रिड्यूस कर देना अटेंशन को रिड्यूस करना है ना जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन आ जाता है टीचर को आता नहीं है तो बोलता कोई नहीं कल करें कल करें चलो हां जी आगे चलते हैं अभी आप लोगों ने इस चीज को देखा कि मैंने उस पार्ट को इग्नोर किया मतलब मैंने इग्नोर आपके क्वेश्चन को नहीं किया मैंने आपको एक हिंट दिया कि इस तरीके से मॉडरेटिंग ताकि उस पर किसी का ध्यान ही ना जाए आपको पता ही ना चले कि टीचर को ये आता नहीं है नहीं तो बेजती हो जाती है है ना नहीं तो क्या हो जाती है बेजती हो जाती है असम वालों को ज्यादा पता होगा ना तो मॉडरेटिंग मॉडरेटिंग का मतलब यही होता है एक्सेंटिंग के ऑपोजिट जब आप किसी चीज पे नहीं चाहते कि सामने वाला ध्यान दे इग्नोर कर देना उस चीज को क्लियर है तो ये पहली दो टर्म्स आप लोगों ने दिमाग में रखनी है उसके बाद आगे कॉम्प्लीमेंटिंग नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है कॉम्प्लीमेंटिंग 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 का मतलब क्या होता है बच्चे कि आपके जो नॉन वर्बल क्यूज हैं प्लस वर्बल वो एक ही बात बोल रहे हैं नॉन वर्बल और वर्बल वाले दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं मेरे शब्द बोल रहे हैं वो अलग है और जो मेरी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है वो अलग है शब्द मेरे हैं बोल वो रहा है ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप आप स्कूल में काम होमवर्क आप करके नहीं गए है ना तो टीचर ने आपसे पूछा काम किया है तो आप बोलोगे सर किया है टीचर बोलेगा क्या बोला सर नहीं किया मतलब जो जो सर हिला रहे हो वो कुछ और बोल रहा है शब्द आपके हां बोल रहे हैं चेहरा आपका ना बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए जो शब्द बोल रहे हैं वही आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलनी चाहिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब वो कॉम्प्लीमेंट करें आपके जो वर्बल क्यूज है वो नॉन वर्बल क्यूज को कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे के ऑपोजिट ना हो क्योंकि जब ऐसा करोगे तो फिर सामने वाला एक ही डायलॉग बोलेगा भाई कहना क्या चाहते हो यही बोलेगा कहना क्या चाहते हो फिर तो यही बोलेगा वो यस मैच करेगा उसके बाद एक और वर्ड होता है सब्स्टिट्यूटिंग देखो ये तो नाम से ही क्लियर हो जाते हैं सब्सिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है जैसे एक चीज को निकाल के कोई दूसरी चीज उसकी जगह पे बोल देना ऐड कर देना सब्स्टिट्यूट कर देना सब्सटीट्यूट का मतलब क्या हुआ कि वर्बल वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया जाता है नॉन वर्बल के साथ है ना जैसे इसमें बहुत सिंपल सी एग्जांपल होती है जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप क्लास में जब आते थे तो आप बहुत तरीके से टीचर से पूछते थे मे आई कम इन सर, ऐसे करके मतलब बचपन होता है तो थोड़ी अकल ज्यादा होती है हमें लगता है कि हां टीचर की इज्जत करेंगे जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो फिर ये कल है वो घास चरने चली जाती है और जब आप बी कॉम एम कॉम ग्रेजुएशन में आ जाते हो तो जैसे ही टीचर क्लास में होता है आप क्लास में एंटर होते हो तो आप टीचर को ऐसे ही देख लेते हो टीचर भी बोल देता है तो आपकी तरफ से भी कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल के थ्रू हो गया जो टीचर है उसने भी आपको नॉन वर्वल की उसके थ्रू क्या कर दिया बोल दिया <laughs> तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्वल वर्ड होते हैं आप शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय नॉन वर्वल क्यूज के थ्रू अपनी बात सामने वाले तक रख देते हो कि ठीक है भाई बात हो गई तो रिप्लेस सब्सिट्यूट कर दिया जाता है सब्सिट्यूट कर दिया जाता है इशारों इशारों में आप अपनी बात बता देते चलिए तो ये हो गया उसके बाद आता कॉन्ट्राडिक्टिंग अब ये आता है जो हमने अभी पहले पढ़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग 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 का मतलब जब आप किसी को डिसीव करने की कोशिश करते हो जो हमने पहले पढ़ा कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते हो बोल कुछ और रहे हो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है ऑपोजिट हो जाएगा इससे पहले वाले में जो हमने पहले डिस्कस किया कि आप कहना कुछ और चाह रहे हो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है मतलब ऑपोजिट हो रहा है ऑपोजिट हो जा रहा है कॉन्ट्राडिक्ट दो मीनिंग होते हैं जैसे No कहना और ऐसे करना यस yes कहना और ऐसे करना तो आप सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हो क्या कर देते हो आप सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हो सामने वाले को धोखा दे दिया जाता है तो ये डिसीव करने के लिए यूज किया जाता है क्लियर उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज रेगुलेटिंग अब ये आप सब लोगों ने किया होगा रेगुलेटिंग क्या होता है कौन बताएगा सिग्नल अबाउट स्पीकिंग सिग्नल अबाउट स्पीकिंग जब बहुत बड़े बड़े लेक्चर सुनते रहते हो ना आप आप किसी यू नो बेसिकली ये होता है जब आप कोई एनुअल फंक्शन होता है उसमें जो चीफ गेस्ट होता है एक तो आता बहुत लेट है उसके बाद उसको लेक्चर देना ले दे देते हो वो उसका होता है ना तो ऐसा होता है जैसे कुछ लोगों को पता नहीं चलता ना जैसे एक टीचर एग्जाम्पल दे रहा था कि मतलब वो लेक्चर दे रहा था और उसमें वो कॉलेज के बारे में अच्छी बातें बुरी बातें बोल रहा था और बोल रहा था कि स्पोर्ट्स के मैटर में हम इस बार ज्यादा कुछ अच्छा नहीं काम हो चुका है चल गया चल गया चल गया चल गया क्लियर अच्छा अच्छा अरे बीच में हो जाता यार कई बार कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो रेगुलेटिंग का मतलब होता है आप स्पीच को रेगुलेट करने की कोशिश करते हो आप बता दो आप अब रहने दो है ना जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैंने बोला ठीक है तो ये यहां तक था तो आधी क्लास क्या हो जाए बोलने शुरू सर बाए, सर, बाए, सर बाए जब ये करने शुरू कर दोगे ना तो ये है रेगुलेटिंग क्योंकि आप स्पीच को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो आप स्पीच को रेगुलेट करने की कोशिश करोगे आप बोलोगे कि बस बहुत हो गया सर अब और हमारा खून मत पीए काफी हो गया है ना ये हो जाएगा कि सर आज के लिए इतना काफी है है ना यही करोगे तो ये होता है आपका रेगुलेटिंग उसके बाद एक आता है नेक्स्ट दैट इज रिपीटिंग नेक्स्ट आता है रिपीटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है वट वी कॉल रिपीटिंग रिपीट करने का मतलब क्या होता है कि पहले आप वर्बल और फिर थोड़े से गैप के बाद नॉन वर्बल पहले उसी शब्द को उसी उसी टर्म को आप अपने वर्ड्स के थ्रू बता देते हो और फिर उसी टर्म को आप नॉन वर्बल के थ्रू समझा देते हो देखो आधी क्लास ने बाय बाय लिखना भी शुरू कर दिया मैंने बोला था ना कि आधे से ज्यादा तो ऐसे ही है अभी मेरी क्लास में ही रेगुलेटिंग यूज कर रहे हैं मतलब मैं ही इनको समझा रहा हूं और मेरी क्लास को ही रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं मतलब कैसे चलेगा मतलब वो बोलते हैं ना कि हां भाई मैंने ही सिखाया और अब तुम तो मुझे ही सिखा रहे हो अब रिपीटिंग का मतलब होता पहले जैसे पहले आप बोल दिया आपने पूछा कि आप कल स्कूल आए थे तो आपने बोला सर हां आया था तो इसका मतलब आपने वर्वल के थ्रू पहले बोला मतलब मैंने बोला हां आया था और फिर नॉन वर्वल को यूज किया कि हां सर आया था यस yes, आया था तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है वी यूज बोथ ऑफ देम यार क्या हो रहा आज इसको चलिए तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इन सभी को सबसे पहले हमने समझा एक्सेंटिंग एक्सेंटिंग का मतलब क्या होता है जब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड पे किसी की अटेंशन लेना चाहते हो वेन यू वॉन्ट टू गेट अटेंशन आप क्या करना चाहते हो आप चाहते हो कि कोई बंदा उस बात पे अटेंशन दे उसके बाद फिर आप बोलते हो मॉडरेटिंग मॉडरेटिंग ऑपोजिट होता है एक्सेंटिंग का मतलब क्या होता है आप नहीं चाहते कि कोई उस बात पे कोई उस टर्न्स पे क्या करे ध्यान दे आप उस चीज को इग्नोर करना चाहते हो यू वॉन्ट टू इग्नोर कि हां भाई इसको हम इग्नोर कर देते हैं फिर आता है कॉम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब क्या होता है आपके वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज एक ही टाइम पे एक साथ काम कर रहे हैं आपके जो वर्बल क्यूज हैं वो और नॉन वर्बल क्यूज हैं वो वो एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था सब्सिट्यूटिंग सब्सिट्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोग वर्वल को रिप्लेस कर देते हो नॉन वर्वल के साथ एक सेकंड यार वेट करना अब क्लियर है चलिए तो सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है जब आप अपने वर्ड्स को रिप्लेस कर देते हो किसके साथ नॉन वर्बल क्यूज के साथ नॉन वर्बल क्यूज के साथ हम अपने वर्ड्स को रिप्लेस कर देते हैं उसके बाद आता है कॉन्ट्राडिक्टिंग कॉन्ट्राडिक्टिंग का मतलब क्या होता है यू ट्राई टू डिसीव आप धोखा देने की कोशिश करते हो आप डिसीव करने की कोशिश करते हो उसके बाद आता है रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप सामने वाले की स्पीच को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो यू आर ट्राइंग टू रेगुलेट यार आज इसको क्या हो रहा है ठीक है, चल रहा है चल रहा है जब आप सामने वाले के सिग्नल उसको सिग्नल देते हो स्पीकिंग के बारे में कि भाई बस बहुत हो गया तूने बहुत पढ़ा लिया इतना ही काफी है इट इज जस्ट ऑपोजिट उसके ऑपोजिट होते हैं नेक्स्ट उसके बाद आता है रिपीटिंग रिपीटिंग और सब्सिट्यू रिपीटिंग और कॉम्प्लीमेंटिंग में क्या फर्क होता है जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है याद रखिए जब कॉम्प्लीमेंट किया जाता है वेन वी डू कॉम्प्लीमेंट याद रखिए जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तब आप सेम टाइम पे यूज कर रहे हो वर्बल भी और नॉन वर्बल भी आप सेम टाइम पे यूज करते हो वर्बल और नॉन वर्बल मतलब एट द सेम टाइम मतलब उसी टाइम पे मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं और उसी टाइम पे मैं नॉन वर्बल की को इस्तेमाल कर रहा हूं दोनों का जो यूज है वो एक ही टाइम पे होता है और जब मैं रिपीटिंग की बात करता हूं तो इसमें वर्बल और जो नॉन वर्बल है इसमें क्या होता है हमेशा थोड़ा सा गैप होता है यहां पे क्या होगा ठीक है जी तो याद रखिए अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट कि किस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वर्बल और नॉन वर्बल एक ही टाइम पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे दे विल कॉम्प्लीमेंट एट द सेम टाइम और जब आप नॉन वर्बल और वर्बल के बीच में गैप की बात करते हो तो वो आपका होता है रिपीटिंग दैट्स वट वी कॉल रिपीटिंग क्लियर यहां तक बताइए अरे ब्लर है तो एक बार रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए ठीक है चलिए तो ये हमारे नॉन वर्बल के कुछ फंक्शन होते हैं जो आप लोगों ने दिमाग में रखने चलिए आगे बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड एक और मिलता जुलता मॉडल वैसे मैंने पहले भी करवाया है अभी मैं वो दोबारा करवा रहा हूं वो कौन सा है वो है मेहराबियन कम्युनिकेशन मॉडल कम्युनिकेशन मॉडल अब सही चल रहा है ना चलिए ठीक है भाई मेहराबियन कम्युनिकेशन मॉडल मेहराबियन कम्युनिकेशन मॉडल से आपको मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको फाइनल एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं एक्चुअली में ये कम्युनिकेशन मॉडल है वो क्या बोलता है ध्यान से सुनो उसने बोला कि सुपोज करो ये आपका पूरा कम्युनिकेशन है ये पूरा हंड्रेड परसेंट है ध्यान से समझ लीजिए ये आपका पूरा कम्युनिकेशन है और ये जो पूरा कम्युनिकेशन है वो आपका हंड्रेड परसेंट है मतलब जितना आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो पूरा हंड्रेड परसेंट है बट उसने इस हंड्रेड परसेंट के अलग अलग पार्ट्स बना दिए उसने क्या बोला कि ये जो हंड्रेड परसेंट है इसके अलग अलग पार्ट्स हैं अलग अलग पार्ट्स का मतलब उसने पहले इतना डिवाइड कर दिया सात परसेंट उसने बोला सात परसेंट वो इंपैक्ट करता है जो हमारे स्पोकन वर्ड्स होते हैं जो हम बोल रहे हैं वर्बल स्पोकन वर्ड्स मतलब दैट इज वर्बल और वर्ड्स तो सात परसेंट मतलब जो शब्दों का इस्तेमाल होता है ना वो सिर्फ अपना सात परसेंट रोल प्ले करता है कितना रोल प्ले करता है वो सात परसेंट रोल है वो प्ले करता है उसके बाद जो 38 परसेंट है फिर उसके बाद आता 38 परसेंट जो 38 परसेंट है वो होता है आपका वोकल 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 कौन सा मैंने आपको आज ही समझाया था दैट इज वॉइस या टोन इसमें क्या आ जाएगा वॉइस या टोन जो पैरा लैंग्वेज इसको बोल दिया जाता है जिसको बोल दिया जाता है कि ये पैरा लैंग्वेज है सुपोर्टिंग वर्ड्स मतलब समझ मैं क्या बोल रहा हूं वो ये आएगा कैसे बोल रहा हूं वो थर्टी एट परसेंट आ जाएगा क्लियर है उसके बाद जो थर्ड रह गया ठीक है ये पूरा हंड्रेड था उसमें से थर्टी एट और ये दोनों को मिला दोगे तो फोर्टी फाइव हो जाएगा और रिमेनिंग कितना रह जाएगा फिफ्टी फाइव परसेंट तो ये जो फिफ्टी फाइव है दैट इज यूर बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज या आप इसको बोल सकते हो विजुअल्स इसको आप क्या बोल सकते हो यू कैन कॉड इट विजुअल्स बॉडी लैंग्वेज जो नजर आ रहा है ठीक है इसमें गेस्टर्स इसमें पोस्टर्स वगैरह वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती ठीक है जी तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लियर है यहां तक तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए लेट्स फाइंड सम अदर टॉपिक जो मैं आप लोगों को आगे करवा दूं। हां ये कर लेते हैं लिसनिंग ठीक है लिसनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो लास्ट में एक बार लिसनिंग कर लेते हैं पहले तो ये बताइए कि लिसनिंग और हियरिंग दोनों सेम होता है या डिफरेंस होता है लिसनिंग और हियरिंग दोनों सेम है या दोनों में डिफरेंस है कौन बताएगा कमेंट्स में बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में जस्ट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग यस yes. देखिए जो हियरिंग है ना ये तो आप लोगों की अबिलिटी है अबिलिटी है मतलब अगर जैसे अगर इंसान का जन्म हुआ है तो उसके पास अलग अलग तरीके की अबिलिटीज होती हैं उसी तरीके से हियरिंग एक अबिलिटी है कि आप सुन सकते हो कुछ भी सुन रहे हो अटेंशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें अटेंशन है या नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता बट जब हम लिसनिंग की बात करते हैं ना तो लिसनिंग में हमेशा आपके पास एक पर्पज होता है अटेंशन होती है जैसे आप मुझे सुन रहे हो तो जो आप मुझे सुन रहे हो ये हियरिंग नहीं है हियरिंग एक लेवल पे है बट ये लिसनिंग है हियरिंग का मतलब क्या हुआ जो आपके बैकग्राउंड पे कुछ चीजें चल रही होंगी हो सकता है दूसरे रूम में आपके मम्मी पापा आपके भाई बहन कुछ बात कर रहे हो थोड़ी थोड़ी आवाज आप लोगों को आ रही हो अब वो आवाज तो बंद नहीं कर सकते ऐसा सिस्टम तो सॉफ्टवेयर में नहीं है कि आपको सिर्फ मेरी आवाज सुने और किसी की आवाज ही ना ना सुने है ना? ऐसा सिस्टम तो है नहीं आवाज तो सभी की आ रही है बट आप सिर्फ मेरी बात पे ध्यान दे रहे हो मुझे ध्यान से सुन रहे हो क्योंकि आपका एक परपज है कि आज की जो क्लास है इसमें आप लोगों को कुछ कुछ सुनने को मिल रहा है कुछ समझने को मिल रहा है जो आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा यस yes, बिल्कुल अब गली में आ जाते हैं सब्जी बेचने वाले गोलगप्पे वाले उनकी आवाजें आती रहती हैं मतलब पूरा दिन आपके बैकग्राउंड पे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं और आप उनको सुनते रहते हो क्योंकि वो आपकी एबिलिटी है बट जिस चीज पे आप ध्यान दे रहे हो जिस चीज पे आप फोकस हो रहे हो वो आपकी लिसनिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वो आपकी लिसनिंग हो जाएगी ठीक है जी अब अगर लिसनिंग में देखो तो सबसे पहले आपके पास आती है एक्टिव लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या हुआ जब आप एक्टिव हो मतलब बोथ पार्टीज आर एक्टिव दोनों पार्टीज एक्टिव है और एक पर्पस के लिए सुन रहे हैं मतलब एक पर्पस है उस पर्पस के लिए सुन रहे हो जैसे आप अभी अभी क्लास को सुन रहे हो फोकस है क्या है एक तरीके से फोकस है क्या है एक फोकस है दोनों पार्टीज क्या कर रही है फोकस कर रही है मैं जो बोल रहा हूं उसका अपना एक फोकस है आप लोग सुन रहे हो इसका अपना एक फोकस है तो एक फोकस की बात हो रही है यहां पे किसकी बात हो रही है फोकस की बात हो रही है मतलब एक पर्पजफुल लिसनिंग आप इसको बोल सकते हो यू कैन कॉल इट कि ये आप लोगों की एक पर्पजफुल लिसनिंग हो जाएगी एक होती है पैसिव लिसनिंग पैसिव लिसनिंग इज नथिंग इट इज जस्ट हियरिंग आप इसको हियरिंग ही बोल सकते जैसे कई बार क्लास में होता है ना आपका बिल्कुल पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता और टीचर आपको बोले जा रहा है बोले जा रहा है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा वो कुछ भी बोले जा रहा है और आप उसको बोलना शुरू मतलब सुन रहे हो सुनते हैं बट समझते हैं नहीं है वह नो अटेंशन मतलब किसी तरीके की कोई नो no अटेंशन यहां पर आप कोई अटेंशन ही नहीं दे रहे हो आप अटेंशन ही नहीं दे रहे हो जैसे आपके टीचर ने आपको कुछ पढ़ा रहा है जैसे बोल रहे टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि लिसनिंग क्या होती है आप लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है मेरी क्लास में और अचानक से मैंने आपको खड़ा किया और मैंने बोला अच्छा बेटा ये बता लिसनिंग क्या होती है अब आपको पता तो है नहीं अब आप अपने हिसाब से बताओगे सर लिसनिंग का मतलब होता है सुनना और सुनते हम कान से हैं कान हमारे दो होते हैं दोनों कानों से हम सुनते हैं कई बार टीचर इन्हीं कानों को पीट देते हैं और जो टीचर आपको पीट रहा है वो भी काफी तरीके का हो सकता है अब टीचर है वो कुछ खड़ूस होते हैं और खड़ूस तो बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारे लोग इस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया में हम रहते हैं मतलब कुछ भी कहानी बना रहे हो क्यों क्योंकि आपका फोकस तो है ही नहीं क्योंकि यू आर जस्ट इन द केस ऑफ पैसिव आप पैसिव लिस्निंग में हो राइट right. उसके बाद आती है क्रिटिकल या इवेल्युएटिव लिसनिंग क्रिटिकल और वेलुएटिव लिस्निंग यहां पर आप सुनते भी हो और आप जजमेंट देते हो यहां पर आपकी जजमेंट इन्वॉल्व होती है मतलब तो जैसे मैं आपको कुछ पढ़ाता हूं अगर मैंने बीच में कोई गलती कर दी तो आप उसी टाइम पे मुझे बोलोगे कि सर ये आपने गलत पढ़ा दिया या आप जज करोगे कि मैंने अच्छा पढ़ाया या मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया कि मैंने आज आप लोगों को जो पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया एक तरीके से फीडबैक जजमेंट होना कि ये सही है या गलत है फुल फोकस मतलब पूरा फोकस होकर सुन रहे हो क्योंकि अगर आप फोकस नहीं हो तो आप कैसे जज करोगे आप कैसे बताओगे कि मैंने आज आपको तो कुछ सही पढ़ाया या मैंने कुछ गलत पढ़ाया तो कहीं ना कहीं इसमें फीडबैक है वो भी इन्वॉल्व होती इसमें क्या होती है इसमें फीडबैक है वो इन्वॉल्व होती है उसके बाद आती है एम्पथेटिक लिसनिंग एम्पेथेटिक लिसनिंग एम्पथी क्या होता है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू पुट योर शू पुट यू आर फीट्स इन द शूज ऑफ अदर दूसरे की जगह पर खुद को रखना कि सामने वाला कैसे इस टाइम पे महसूस कर रहा है दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग सामने वाले को समझने की कोशिश करते होस yes. शूज इन दुट यूर फीट इन द शूज ऑफ अदर दूसरों के तो वो मतलब जैसे आपको सामने वाला कुछ बोल रहा है आप उसकी बात को तभी समझ पाओगे जब आप अपने आप को उसकी जगह पे रखने की कोशिश करोगे कि अच्छा यार ये बंदा ये फील कर रहा है इसको ऐसा लग रहा है और इस वजह से ये कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है क्लियर उसके बाद होता है एक एप्रीशिएटिव लिस्निंग एप्रिशिएटिव लिस्निंग किसी को प्रेस करने के लिए या कई बार एंटरटेन करने के लिए आप सॉन्ग वगैरह सुनते हो ना तो वो इसी के अंदर आ जाता है एप्रिशिएटिव मतलब किसी को प्रेस करना लिसनिंग का पार्ट बन जाता है एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन के लिए ये इसका पार्ट होता है जैसे सॉन्ग सुनते रहते हो ठीक है पूरा दिन आप हेडफोन लगा के किसी की तारीफ की जाती है वो वाला क्लियर है जी तो यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया ठीक है जी चलिए अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हमने समझा कम्युनिकेशन के कल्चर के बारे में लो कल्चर है जो फॉर्मल होता है और वर्बल होता है और इंडिया है जो हाई कंटेक्स्ट है जिसमें इनफॉर्मल और नॉन वर्बल पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं लो कंटेक्स्ट है जिसमें कॉम्पिटेटिव नेचर होते हैं और इंडिया वाले हाई कल्चर है वो कॉपरेट करते हैं लो टेक्स्ट में सिर्फ काम तक मतलब होता है और जबकि आप हाई कंटेक्स में आप रिलेशनशिप के बारे में बात करते हो लो कंटेक्स में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच यूज होती है और हाई कंटेक्स में टीम ओरिएंटेशन की बात की जाती है लो कॉन्टेक्ट में इंडिविजुअल अचीवमेंट को फोकस किया जाता है और हाई कंटेक्स में टीम अचीवमेंट को फोकस किया जाता है लो कॉन्टेक्ट में क्योंकि आप फॉरेन की बात कर रहे हो तो वर्बल वर्ड्स को यूज किया जाता है और नॉन वर्बल को यूज किया जाता है हाई कॉन्टेक्सट में रिटर्न फॉर्मल होता है लो कॉन्टेक्स में और हाई कॉन्टेक्स में ओरल और इनफॉर्मल होता है उसके बाद हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझा कि प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है प्रॉक्सिमिक्स होता है डिस्टेंस की स्टडी होती है जो स्पेशल डिफरेंस की स्टडी होती है फिर आता कैनासिक्सिक्स होता है बॉडी लैंग्वेज की स्टडी उसके बाद आता है, 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 है टच की स्टडी जो गुड और बैड दोनों हो सकता है उसके बाद फिजिकल अपियरेंस होता है जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है जो आपका अटायर होता है उसके बारे में उसके बाद ऑकुलस होता है वो आइस की स्टडी होती है उसके बाद वोकल होता है जो वॉइस की स्टडी होती है उसमें वॉल्यूम पिच रेट स्पीच कुछ भी हो सकता है और होता है जो स्मेल की स्टडी होती है क्रोनोमिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ टाइम उसके बाद नॉन वर्बल के कुछ फंक्शन है एक्सेंटिंग का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज पे किसी का ध्यान देना चाहते हो और टेंशन लेना चाहते हो मॉडरेटिंग का मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ एक्सेंटिंग ये एक्सेंटिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होता है जब आप किसी चीज को इग्नोर करना चाहते हो कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब नॉन और वर्बल को एक ही टाइम पे चला रहे हो उसके बाद आता है सब्सिट्यूटिंग जब वर्बल को साइड पे करके आप नॉन वर्बल को क्या कर देते हो रिप्लेस कर देते हो कॉन्ट्राडिक्टिंग का मतलब होता है आपके वर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं और आपकी भावनाएं कुछ और व्यक्त हो रही हैं रेगुलेटिंग का मतलब होता है जब आप सिग्नल देते हो स्पीच के बारे में ताली बजा देते हो ताकि खत्म हो जाए बाय बोल देते हो मेरे लेक्चर में ताकि सर हमारा खून पीना बंद कर दें। लास्ट में आता है रिपीटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है जब आप पहले वर्ड्स के थ्रू अपना मैसेज देते हो उसके बाद नॉन वर्वर के थ्रू अपना मैसेज देने की कोशिश करते हो अब कॉम्प्लीमेंटिंग और रिपीटिंग में फर्क यही होता है कि कॉम्प्लीमेंटिंग में आप सेम टाइम पे बात करते हो और आप रिपीटिंग में क्या करते हो आप थोड़ा गैप लेके बात करते हो उसके बाद हमने मेहराबियंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा है जिसमें उसने बोला कि जो टोटल हमारा 100 परसेंट का कम्युनिकेशन होता है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो 7 परसेंट होता है वर्ड्स होते हैं जिसको वर्बल बोल दिया जाता है 38 परसेंट वोकल होता है जिसमें आपकी वॉइस टोन पैरा लैंग्वेज आ जाती है और फिफ्टी आपकी बॉडी लैंग्वेज या विजुअल्स होते हैं उसके बाद हमने लिसनिंग को पढ़ा लिसनिंग और हियरिंग हियरिंग एक एबिलिटी होती है और लिसनिंग जब आप पर्पजफुल अटेंशन होकर आप समझने की कोशिश करते हो एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है जब दोनों पार्टीज एक्टिव होती है उनके पास एक पर्पज होता है फोकसफुल तरीके से आप उसको सुनते हो उसके बाद आता है पैसिव लिसनिंग पैसिव का मतलब होता है हियरिंग जहां पर कोई अटेंशन नहीं है ठीक है जो भी एक कान में आ रहा है दूसरे से निकाल रहे हो क्रिटिकल इवेल्युएटिव सबसे ज्यादा फोकसड होती है क्योंकि इसमें आप जजमेंट देने की कोशिश करते हो उसके बाद आते हैं एम्पिथेटिक आप सब सामने वाले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो और एप्रिसिएटिव का मतलब होता है जब आप किसी को प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर अभी हम मिलेंगे सात बजे आने अकेडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे डी की क्लास है स्पेशल क्लास है तलवीर लाइव कोड से उसको अनलॉक कर लीजिएगा और आने अकेडमी का एक और तीन मंथ का सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस हाइक है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था हो रहा है तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो देन यू कैन गेट यूर सब्सक्रिप्शन टू चलिए मिलते हैं सात बजे की क्लास में थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गॉड ब्लेस यू ऑल इसी तरीके से पढ़ते रहिए इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और वीडियो खत्म होने के बाद कॉमेंट करके जाना है ठीक है एहसान फरामोश मत बना करो ऐसा ना हो कि अगले महीने में क्लासेस लेनी बंद कर दूं ठीक है चलिए बाय टेक केयर ध्यान रखिएगा खुश रहिए